व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ वेजिटेबल पास्ता। तो यहाँ पर मैं पास्ता लेकर आई हूँ, मार्केट से मिल जाता है। ये मैंने एक बाउल लिया हुआ है, इसको मैं अभी बॉईल करूँगी सबसे पहले। और साथ में कुछ मेरे वेजिटेबल्स ली हुई हैं। मैंने यहाँ पर एक शिमला मिर्च, एक बड़ा प्याज, दो गाजर हैं और टमाटर हैं। इनको मैंने इस तरह से काट लिया है, आप भी इस तरह से काट सकते हो या अपनी अकॉर्डिंग जैसा आपको अच्छा लगता है उसके मुताबिक काट सकते हो। साथ में मुझे इसमें क्रीम चाहिएगी और मैंने सॉस लिया हुआ है। और हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, मिर्च, गरम मसाला, काली मिर्च वगैरह डाल देंगे। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं पास्ता को बॉईल कर लेती हूँ अच्छी तरह से। इसमें 10 से 15 मिनट लगेंगे मुझे बॉईल करने में, और उसके बाद में वेजिटेबल्स हैं उन्हें फ्राई करूँगी। इस तरह से मैं यहाँ पर पास्ता उसे बॉईल कर रही हूँ। इसे 10 से 15 मिनट तक लग सकते हैं बॉईल होने में। पर एक पैन में 2 बड़े टेबल स्पून ऑयल जो है गरम किया हुआ है। अभी मैं इसके अंदर जो है यहाँ पर सबसे पहले प्याज है उनको फ्राई कर लेती हूँ इसमें। फ्लेम को मैंने थोड़ा सा मीडियम रखा हुआ है, थोड़ा सा जब ये ब्राउन हो जाएंगे तो मैं इसमें थोड़ा गाजर है उसको भी फ्राई कर लूँगी। मेरे जो है पास्ता भी बॉयल हो चुके हैं। इसमें थोड़ा गाजर मिक्स हो गया है, कोई बात नहीं, मुझे अभी वो मिक्स करना ही है इसमें। ऐसा हल्के ब्राउन हो गए हैं, तो मैं अभी इसमें जो है ये गाजर है इसको भी ऐड कर देती हूँ ताकि ये भी अच्छे से पक जाए। इसे भी हमें अच्छे से पकाना है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वेजिटेबल्स डाल सकते हो। आप इसमें पत्ता गोभी भी डाल सकते हो, गोभी भी डाल सकते हो, और मतलब कुछ भी डाल सकते हो आप। मेरे पास जो अवेलेबल था अभी मैंने उसी में बनाया है इसको। अभी इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा। मैं जो ये इसमें शिमला मिर्ची इसे भी डाल देती हूँ, ये भी पक जाएगी इसके साथ में, फ्राई हो जाएगी ये भी इसके साथ। अभी थोड़ा टाइम इसको मैं करूँगी, 5 से 10 मिनट इनको पकाऊँगी इस पर अच्छे से, फिर उसके बाद इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। Thank you.
मैं अभी फ्लेम जो है उसे लो कर देती हूँ ताकि अच्छे से पक जाए। अभी मैं इसमें जो ये टमाटर हैं उनको भी ऐड कर देती हूँ, इसे भी अभी थोड़ा टाइम और पकाऊंगी। टमाटर भी इसमें 5 से 10 मिनट तक और लग जाएंगे। यहाँ पर ये मेरा पास्ता भी रेडी हो चुका है, बॉयल हो चुका है अच्छी तरह से। अभी मैं इसको इसमें पकाऊंगी, पहले इसको अच्छे से मैं फ्राई कर लेती हूँ। ये वेजिटेबल्स हैं पककर रेडी हुई। अभी मैं इसमें थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च वगैरह डाल रही हूँ, तो आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। थोड़ा रेड मिर्च ही डाल रही हूँ इसमें, हल्दी आपको डालना चाहो तो डाल सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ इसमें। और साथ में मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ और पीसी हुई काली मिर्ची भी डाल रही हूँ थोड़ा सा, तो आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हो। तो हम थोड़ा सा पका लेते हैं और अभी मैं इसमें जो है सॉस ऐड करूंगी। आपने ये भी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, मैं इसमें 2 टेबलस्पून के लगभग सॉस डाल रही हूँ। तो साथ में इसको मिक्स करते रहना है, हिलाते भी रहना है साथ में ताकि ये लगे ना। आप इसको भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, कम या ज्यादा कर सकते हो सॉस को। अब मैं इसमें जो है हमारा पास्ता जो मैंने बॉईल किया हुआ है मैं उसको इसमें डालने वाली हूँ। हमें इसको इसमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक मिर्ची वगैरह डाल सकते हो, जो भी कुछ डालना चाहो। तरह से जो ये मैं इसको 2-3 मिनट के लिए और पकाने वाली हूँ। आपको जो भी डालना है इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, कम या ज़्यादा हो सकता है अगर आपको जैसा टेस्ट लगता है आपका। मैं अभी यहाँ पर इसको 1-2 मिनट और पकाऊंगी और साथ में जो मैंने यहाँ पर ये क्रीम रखी हुई थी, ये क्रीम है जो मैं अभी यहाँ पर डाल रही हूँ इसमें। ये मेरे पास 2 टेबल स्पून के करीब है,
इस तरह से जो हमारा टेस्टी सा बढ़िया वाला जो है, बहुत ही जिसको कि बनाना भी इजी है, पास्ता रेडी है, वेजिटेबल्स पास्ता रेडी है। आप चाहो तो इसमें वेजिटेबल्स कोई भी डाल सकते हो। तो इस तरह से ये हमारा वेजिटेबल पास्ता रेडी है। तो अभी मैं इसे सर्व करने वाली हूँ। मैंने इसमें सॉस वगैरह डाला हुआ है, तो उसका अगर आप चाहो तो एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, बट ये ऐसे भी अच्छा लगता है। ये बिल्कुल एकदम रेडी हो गया, अभी मैं इसे सर्व करने वाली हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी ऐड कर सकते हो। मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ। और साथ में मैं थोड़ा सा, ये आप अपने टेस्ट पर डिपेंड करता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा अमचूर भी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। इस तरह से ये हमारा बिल्कुल चटपटा सा जो है पास्ता, वेजिटेबल पास्ता रेडी हो गया है। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। नमक भी मिक्स हो जाए। ये पास्ता बिल्कुल एकदम रेडी है गर्मा गर्म खाने के लिए। जैसे कि अभी सीजन भी ठंड वाला हो गया है, तो वेजिटेबल पास्ता बिल्कुल इजी है बनाना और क्विक बन भी जाता है ये। तो थोड़ा बॉईल करके कुछ वेजिटेबल्स के साथ बन जाता है ये। जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है, उतना खाने में भी टेस्टी है। प्लीज़ आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे सारे वीडियोस को वॉच कीजिए, कम से कम एक बार तो कर लीजिए। और इससे मेरी हेल्प हो जाएगी थोड़ा सा। और प्लीज़ आप मेरे सारे वीडियोस को वॉच कीजिए, इसे भी कीजिए और आप इसको बनाइए, ट्राई कीजिए, खाइए और खिलाइए फैमिली में। और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Thanks guys.